मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु की। आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब कुशल मंगल, स्वस्थ, सुरक्षित होंगे। और मैं आप सबों को ख्रिस्त जयंती की अवसर में मैं बधाइयाँ देती हूँ। तो आप सबों को हैप्पी क्रिसमस। तो बच्चों, हम कैटेकिज्म क्लास शुरू करने से पहले हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वह मानव बनकर हमारे बीच में आया और हमें यह सुंदर समय दिया। तो ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम उससे प्रार्थना करें ताकि हम आज की जो पढ़ाई करने जा रहे हैं हम उसको समझ सकें, पवित्र आत्मा की शक्ति से हम भर जाएं और प्रभु की आशीष और कृपा मांगने के लिए हम प्रार्थना करें। तो कृपया अपनी आँखों को बंद करें और अपने हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए आपने हमें दिया है। हे प्रभु, जैसे हम अब कैटेकिज्म क्लास शुरू करने जा रहे हैं, आपके बारे में आपने किस प्रकार लोगों की सहायता की, भयभीत लोगों की सहायता की, उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु यीशु, हमें शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे, ताकि हम जो भी पढ़ाई करने जा रहे हैं उसको समझ सकें और अपने जीवन में अपने छोटे मोटे कार्यों द्वारा लोगों को और हमारे पड़ोसियों को ढाढ़स दे सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 13, जो हमारा पाठ्य पुस्तक है, विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला 4, प्रभु यीशु हमारे मार्गदर्शक। तो आप लोग ले लीजिएगा पेज नंबर 50, 51, 52 और 53। तो अध्याय 13 में हम पढ़ने जा रहे हैं आज, प्रभु यीशु ने ईश्वर के पूर्व प्रबंध का उपदेश दिया। तो मैं इसमें आप लोगों को एक कहानी बताने जा रही हूँ, तो आप लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा। मनोज एक लड़का था जो कक्षा 4 में पढ़ता था। वह बहुत बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने की वजह से उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज कराने के लिए। तो इस प्रकार वह बहुत दिनों तक वो स्कूल जाने में असमर्थ हो गया और वह बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होने से एक महीने पहले स्कूल जाता है। जब मनोज का डिस्चार्ज हो जाता है, उसके पश्चात एक हफ्ते के बाद उसकी परीक्षा थी और वह स्कूल जाने में असमर्थ होने की वजह से उसको जो पाठ्य पुस्तक में जो पाठ्य जो सिलेबस था या जो पढ़ने के लिए दिया गया था पाठ्य पुस्तक से वो पढ़ने नहीं पाया, उसको समझ में नहीं आया। इसकी वजह से उसको जो अर्धवार्षिक परीक्षा थी उसमें बहुत कम अंक आए, वो अच्छे से परीक्षा नहीं दे पाए। तो इसलिए वह बहुत निराश हो गया, उदास हो गया और उसकी जो वार्षिक परीक्षा की जो उम्मीद आने वाली थी तो उसमें वह अपनी उम्मीदें खो दी कि मुझको समझ में नहीं आया, मैं तो बहुत सी जो पाठ थी उसको मैंने कर नहीं पाया। इसलिए वह अपने अध्यापक के पास जाता है और बोलता है, सर मैं तो बहुत से पाठों को नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस वर्ष मैं वार्षिक परीक्षा में पास नहीं हो पाऊंगा। तो अध्यापक क्या बोलता है, कोई बात नहीं, डरो नहीं, आप धीरज धरो, आशा मत खो, आप मेहनत करो,
और जो पाठ आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं उसमें मैं मदद करूँगा। तो इस प्रकार जब अध्यापक की ये शब्द या ये वाक्य सुनकर मनोज को आशा आ गई, ढाढ़स आ गई और वह तो ऐसे बोलने से, और अध्यापक ने मनोज को क्या बोला कि देखो आप अभी वार्षिक परीक्षा आने के लिए बहुत कम समय है, कुछ ही महीने बाकी है, आप बहुत मेहनत करो, पढ़ो, और समझ में नहीं आ रहा है उसको मैं बताऊंगा। तो इस प्रकार वह बहुत मेहनत करता है, एक या दो महीने बाकी थे उसमें बहुत कड़ी मेहनत करके वह अच्छे नंबर से पास हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार प्रभु येसु के शिष्यों के जीवन में भी हुआ था, वे आशा खो दिए थे। आप लोगों को पता है जब एक बार प्रभु येसु और उनके शिष्य नाव में जा रहे थे और ज़ोरदार तूफान आई, तो प्रभु येसु किस प्रकार अपने शिष्यों को प्रोत्साहित करते हैं। तो एक शाम को प्रभु येसु और उनके शिष्य नाव पर बैठे थे और अचानक से तूफान आई, ज़ोरदार वाली तूफान आई और नाव पलटने को हो रही थी और सभी शिष्य डर गए और नाव में प्रभु येसु सो रहे थे। तो प्रभु जब शिष्य डर गए और प्रभु येसु को बुला रहे हैं और जोर 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 से लोग चिल्लाने लगे और प्रभु येसु को शिष्यों ने उठाया। प्रभु येसु गहरी नींद में सो रहे थे नाव में। तो उनके शिष्यों ने कहा, गुरुवर क्या आपको चिंता नहीं हो रही है कि हम डूब रहे हैं? शिष्यों को बहुत डर लगने लगा। तो शिष्यों ने प्रभु येसु से क्या कहा, गुरुवर क्या आपको चिंता नहीं हो रही है कि हम डूब रहे हैं? तब प्रभु येसु उठे और तूफान को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो जा। तब तूफान थम गया और समुद्र शांत हो गया। तब प्रभु येसु ने अपने शिष्यों से कहा, तो हम देखेंगे बाइबल में मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 40 में, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 40 में हम पढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोग कृपया अपनी बाइबल ले लीजिएगा, उसमें पेज नंबर 61 है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? तो प्रभु येसु अपने शिष्यों को क्या कहते हैं, विश्वास करने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रभु के शिष्य डर गए थे और प्रभु येसु को जब सो रहे थे प्रभु येसु को उन्होंने जगाया। तो बच्चों प्रभु येसु वहाँ से तीरुस और सीदोन प्रदेश गए, प्रांत में गए। तब उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री थी और उसकी बेटी जो अब्दूतग्रस्त से पीड़ित थी और अब्दूत से सताई जा रही थी। तब कनानी स्त्री ने कहा और रो रो कर अनुनय विनय करने लगी और बोलने लगी, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी जो अब्दूत से सताई जा रही है। तो इसमें प्रभु येसु कुछ जवाब नहीं देते हैं और दोबारा वह अनुनय विनय करने लगी, प्रभु येसु मुझ पर दया कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। तब इस पर प्रभु येसु ने क्या उत्तर दिया, बच्चों की रोटी को लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है, बच्चों की रोटी को लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। तब उस स्त्री ने कहा, जी हाँ प्रभु जी,
फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते हैं। तब प्रभु ये सुने उत्तर दिया। और तो इस प्रकार हम बाइबल से पढ़ते हैं संत मती का सुसमाचार, अध्याय 15 वचन संख्या 28 में हम पढ़ते हैं। यह है पेज नंबर 26, संत मती का सुसमाचार, अध्याय 15 वचन संख्या 28 में हम पढ़ते हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। तो उसका विश्वास देखकर, कनानी स्त्री का विश्वास देखकर प्रभु येसु ने उसकी इच्छा पूरी की और उसकी बेटी उसी क्षण ठीक हो गई। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा कि प्रभु येसु ने ईश्वर के पूर्व प्रबंध का उपदेश किस प्रकार देते हैं, प्रभु येसु हमारी सहायता किस प्रकार करते हैं। तो जब कनानी स्त्री प्रभु येसु से अनुनय विनय करने लगी और उसका विश्वास देखकर प्रभु येसु उस बेटी को चंगा कर दिया, तो कनानी स्त्री ने प्रभु येसु में विश्वास किया, उनसे प्रार्थना की, इसलिए प्रभु येसु ने उनकी प्रार्थना सुनी। जो प्रभु येसु में विश्वास करता है वह प्रभु येसु से वरदान प्राप्त करता है। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी परेशानियाँ आती है, कठिनाइयाँ आती है, तो प्रभु येसु परेशानियों का सामना करने के लिए हमें शक्ति देते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं, हमें पढ़ने में कठिनाई होती है और हमारे घर में परेशानियाँ हैं, समस्याएं होती हैं, फिर भी प्रभु येसु पर भरोसा रखनी चाहिए। प्रभु येसु हमारे साथ है, हमारी मदद करते हैं, तो हमें प्रभु येसु में विश्वास करनी चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों के लिए प्रश्नावली है जो आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 52। हमारा जो पाठ्य पुस्तक है वो पेज नंबर 52 में मिलेगा। तो पहला प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, जब नाव डूबने को था तब शिष्यों ने क्या कहा? पहला प्रश्न है, जब नाव डूबने को थी तब शिष्यों ने क्या कहा? इसका उत्तर है, जब नाव डूबने को थी तब शिष्यों ने प्रभु येसु को जगाया और कहा, गुरुवर क्या आपको चिंता नहीं कि हम डूब रहे हैं? दूसरा प्रश्न है, प्रभु येसु ने शिष्यों में विश्वास की कमी देखकर क्या कहा? प्रभु येसु ने शिष्यों में विश्वास की कमी को देखकर क्या कहा? इसका उत्तर है, प्रभु येसु ने शिष्यों में विश्वास की कमी को देखकर कहा, तुम लोग क्यों इस प्रकार डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? तीसरा प्रश्न है, कनानी स्त्री ने प्रभु येसु से क्या याचना की? कनानी स्त्री ने प्रभु येसु से क्या याचना की? इसका उत्तर है, कनानी स्त्री ने प्रभु येसु से कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। चौथा प्रश्न है, प्रभु येसु ने कनानी स्त्री की कैसे प्रशंसा की? प्रभु येसु ने कनानी स्त्री की कैसे प्रशंसा की? तो इसका उत्तर है, प्रभु येसु ने कनानी स्त्री की प्रशंसा करते हुए कहा, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तो बच्चों, आप लोगों के लिए ये विचार विमर्श के लिए जो क्वेश्चन या प्रश्न दिया है मैं आप लोगों के सामने पढ़ रही हूँ। आप उस छात्र को किस प्रकार हिम्मत बंधाएंगे जो पढ़ाई को कठिन समझकर निराश हो चुका है?
आप उस छात्र को किस प्रकार हिम्मत बंधाएंगे जो पढ़ाई को कठिन समझकर निराश हो चुका है? तो आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ और जो भाई बहन हैं सबों से मिलकर आप लोग विचार विमर्श कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए है, याद कीजिएगा जो बाइबल का वाक्य है उसको आप लोगों को याद करना है। तो इसमें आप लोग बाइबल से ले लीजिएगा संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 1 पेज नंबर 170 पवित्र बाइबल ले लीजिएगा, उसमें पेज नंबर 170 संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्यांश 1। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। तो ये जो बाइबल का वाक्य है हमें याद करना है। और अगला है जो हमें ज्ञान अर्जन या जानने योग्य बात है, एक हाथी की शक्ति उसकी सूंड में होती है जबकि एक मनुष्य की शक्ति उसके विश्वास में होती है। एक हाथी की शक्ति उसकी सूंड में होती है जबकि एक मनुष्य की शक्ति उसके विश्वास में होती है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए एक गेम या खेल है, उसमें आप लोगों को ये करना है। इसमें जो एक लीडर रहता है और जो करने वाले रहते हैं, मतलब जो भी उसमें भाग लेने वाले रहते हैं, वे चारों तरफ मतलब राउंड बना के रहना है और जो इसमें जो लीडर है वो बीच में खड़ा हो जाता है और आँखों पर पट्टी बांधकर अंधा होने का एक्टिंग करता है। तो सब राउंड में खड़े हो जाते हैं और जो लीडर या जो वो करता है, संचालन करता है, वो आँखों पर पट्टी बांधकर ये गेम करते हैं। उसमें ये है, जो बीच में जो पट्टी बांधता है आँखों में, वो साइड में कोई सा साइड में गिरता है, तो जिस साइड में गिरेगा, जो हम लोग राउंड बनाए रहते हैं ना, वो उसको सपोर्ट करेगा। तो इस प्रकार वो कोई भी दिशा में गिरेगा, तो जिस दिशा में वो गिरेगा उस दिशा उस साइड में जो भी रहेगा उसको जल्दी से सपोर्ट करना है, उसको पकड़ना है। तो इस प्रकार का जो ये खेल है उसमें ये है। और खेलने के बाद हमें आपस में बातचीत करना है और बताना है कि कठिन परिस्थितियों में ईश्वर ने हमें ईश्वर कैसे मदद करता है। तो बच्चों, जो आज का अध्याय 13 जो आज हमने पढ़ा, प्रभु यीशु ने ईश्वर के पूर्व प्रबंध का उपदेश दिया, वो आज यहीं से समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा। और तो क्लास अंत करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमारा विश्वास बढ़ाए। तो एक पल के लिए अपनी आँखों को बंद करें और अपने हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए और हमारे जीवन के लिए। हे प्रभु येसु, जिस प्रकार आपने जब समुद्र में तूफान आया तो आपने शिष्यों को ढाड़स बंधाया और उनको संभाल कर रखा, और जिस प्रकार कनानी स्त्री आपसे अनुनय विनय किया और आपने उसकी इच्छा पूरी की, उसी प्रकार हे प्रभु येसु, हम भी अपने जीवन में दूसरों को ढाड़स बंधाते जाएं, अपने छोटे और हमारे जो हम जो बच्चे छोटी 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 कार्यों द्वारा हमारे दोस्तों को, हमारे पड़ोसियों को ढाड़स बंधा सकें और हम उनके जीवन में निराशा के बदले आशा जगा सकें। हमें यह शक्ति प्रदान कीजिए
और यह वरदान प्रदान कीजिए ताकि हम आपके प्यारे बच्चे लोगों के लिए एक शांति का साधन बन सके, आशा का दीप जला सके। हम यह प्रार्थना करते हैं ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो सबों को जय यीशु।